अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बड़े मज़े की चीज़ बना रहे हैं जी, शादी वाला देकी कोरमा बना रहे हैं और नान बना रहे हैं। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। जैसे पुराना तरीका होता है जो शादियों में बनता है ना कोरमा सही का, हाथ से मसल के प्याज को दही में आप कर लें, टमाटर में डाल कर लें। मेरी साल ज़्यादा टमाटर यूज़ करती थी, लाल लाल होता है, तो मैं भी टमाटर यूज़ करूँगी। दही मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए पहले से लगा दी है। देखें ये मैंने प्याज डाल कर लिए हैं और कितने क्रिस्पी हो गए हैं, ब्राउन से हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम शादियों में देखते हैं ना कोरमा काफ़ी लाल लाल सा, ब्राउन ब्राउन सा होता है। हम लोग अपने घर में ज़्यादा दही इस्तेमाल करते हैं कोरमे इसको पीसने में, और मैंने दही चिकन में ही ऐड कर दी, मैरिनेट करके रखूँगी चिकन को, मैंने आपको बताया था। जैसे अभी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और शान का ही मेरे पास है, यहाँ पे शान का मिल गया था, और यही शान का कोरमा मसाला है। इंस्टेंटली आप इससे बन जाता है, आप डिपेंड करता है आप कितना डाल रहे हैं। ये मैंने दो टाइम के लिए बनाना है तो मैं उस हिसाब से डालूँगी। मेरे तरह बच्चे कम स्पाइसी खाते हैं तो मैं पूरा नहीं डालूँगी, बल्कि मैं पूरा वैसे भी नहीं डालती कभी भी, फिर काफ़ी वो नो तेज़ हो जाता है। अगर आपको मिर्चें कम लगे तो आप मिर्चें ऐड कर सकते हैं, पर पूरा मैं नहीं डालती हमेशा, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के लिए बनाती थी पहले भी अपने ससुराल में। तो हम लोग तो दही शुरू से इस्तेमाल करते, पर मेरी सास हमेशा टमाटर डालती थी, तो हम लोग ये टमाटर मेरे पास है टमाटर पेस्ट डालेंगे। अगर नहीं है टमाटर तो आप टमाटर पेस्ट डाल दें, तो तभी आपने देखा होगा कितना लाल होता है देखी कोरमा जो शादियों का होता है। तो इस तरह ये काफ़ी वैसे ही टच आएगा कि शादियों वाला हम खाना खा रहे हैं, वो जो कोरमा खाते हैं स्पेशली अलग खुशबू होती है। चलिए मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर इस प्याज को हम लोग यूँ इस तरह कर करके, वैसे मैं ब्लेंडर में दही के साथ हमेशा पीसती थी और फिर टमाटर भी डालती थी, पर अभी मेरे पास यहाँ ब्लेंडर नहीं है क्योंकि अभी मैंने अभी कुछ चीज़ लेनी नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही इतनी। दुआ करें बस हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स का हो जाए तो फिर कुछ लेंगे, साथ शॉपिंग करने चलेगा मेरे, ठीक है आप लोग अभी बस दुआ करें मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। एंड से अच्छी तरह इसको डालने, मैंने कट लगा दिए थे ताकि ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे मिलती हैं चिकन, और हम लोग वहाँ पे पाकिस्तान में कहते हैं ना हार्मोन इंजेक्टेड, ये डबल हार्मोन इंजेक्टेड आपको मिलेंगी। मैंने आप देख फील किया कि मेरे ही ना हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा हो गए हैं, मतलब फेशियल हेयर आ रहे हैं, मुझे लगता है ज़्यादा ही इसको हारमोन्स खिला देते हैं। पाकिस्तान में कहते हैं नहीं हम लोग इस फार्मी चिकन नहीं लेंगे, यू नो उसमें मिलावट करते हैं खाने में हारमोन्स बनाए। ये देखें ये हाथ का कमाल है, इसको अच्छी तरह से कचूमर बना देना आपने, जिस पर अपने दुश्मन के बारे में कोई है उसका सोचे समझ में उसी को ही आप कचूमर करें। अल्लाह ना करे कोई किसी के दुश्मन हो मेरा, तो मैं सबके लिए दुआएं करती हूँ। बस जितना जोर है ना आप कचूमर इसका कर लें। अब ब्लेंडर नहीं है तो ये वैसे भी ऐसे ही देगी कोरमा बनता है, और मैंने अपने बड़े लोगों को ऐसे ही बनाते देखा है, मेरी सास भी ऐसे ही करती हैं। ये देखें ये दही इसमें मिला दी है, और मैंने चिकन में भी मिलाई हुई है तो थोड़ी इसमें कम है, और थोड़ी सी मेरे पास दही कम थी तो आप लोग अपने हिसाब से करेगा। ऑयल गर्म कर दिया, ये देखिए मैं साथ में पेयर्स खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने काट के देंगे, इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो ज़रा इलायची डालूँगी, पैकेट में भी होती है पर कभी कभी कंजूसी ये लोग कर देते हैं, तो ख़ासतौर पर जो मैं ब्रांड वाला यूज़ कर रही हूँ ये उसके बाद मुझे बहुत बुरी लगती है, तो मैंने सिर्फ दो ही डाली है, ज़्यादा नहीं बच्चों की वजह से। और जो हमने चिकन को हमने रखा था अभी वो डालेंगे, फिर ज़रा थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल, तो भून जाए चिकन। माशाल्लाह अच्छी तगड़ी चिकन है, घुमाते हुए भी पता चलता है कि काफ़ी अच्छा वेट है। सही इसको खाना वाना खिलाया गया, खुराक खिलाई गई है। क्या खुशबू होती है इलायची की, लौंग की, गरम मसाले की, और पूरे ही कोरमे की। और यहाँ तो शादियों को भी मिस करें, शादियाँ जो पाकिस्तान में होती हैं स्पेशली कोरमा बिरयानी जो देख की बनी होती है, ऑयल से भरी भी होती है, पर उसकी क्या ही बात होती है, क्या ही लज्जत होती है, बड़ा मज़ा आता है खाने में। जो प्याज जो दही के साथ मैं चूहे में डाल दी, टमाटर डाल दूँ,
ये पानी की मदद से इस तरह से प्रेस कर लें। ये तिल हैं मेरे पास, काले भी हैं, काले बड़े अच्छे फ़ायदेमंद होते हैं, खाने चाहिए, रोस्ट करके खाने चाहिए, ऐसे नहीं। वाइट भी हैं, बटर भी लगा सकते हैं आप। ये नान की रेसिपी मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, आज काफ़ी लेट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी बस वी व्लॉग बना रही हूँ, कोरमा ही दिखाना है, फिर बाद में किसी दिन शेयर करेंगे। अब इसको ओवन में हम रख देंगे, 250 है देखें डिग्री, अभी ओवन पे रख दिया है, ओवन में रख दिया था, ओवन पे नहीं। ये देखें अब इसको बंद कर देंगे, 10 मिनट्स में हो जाएगा ये ऑलमोस्ट। देखिए केर कितना अच्छा, देखिए कोरमा लग रहा है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा एक आपको ट्रिक बताती हूँ, थोड़ा सा मेरे प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गए थे तो मैंने उसमें दूध ऐड कर लिया। अगर आपको ज़्यादा क्रीमी कोरमा खाना है तो आप थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा बादाम का टच इसलिए दे रही हूँ कि मेरे बेटे को बादाम अच्छे लगते हैं। मैं वाइट कोरमा बनाती हूँ, उसमें बादाम डालती हूँ तो खुश हो जाएगा। देखें क्या ज़बरदस्त सा आ रहा है लुक, खाने में मज़े कर रहेगा, लगेगा ना शादी वाला कोरमा, मानेंगे ना आप लोग। कितनी ईजी रेसिपी है, आप पैकेट के ही मसाले यूज़ करें पर उसमें अपनी थोड़ा सा यू नो तड़का लगाया करें, ट्विस्ट लाया करें, यानी कि बस उसी को फॉलो करें, कुछ अपना भी ना होना चाहिए ना। ठीक है, बस आज अपना व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। बस दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को याद रखेगा, और आखिर में मैं आपको नान दिखा दूँगी ओवन से निकालते हुए, वो कैसे बने उसकी रेसिपी हम लोग बाद में शेयर करेंगे। और अच्छा खाइए, दूसरों का भी ख्याल रखें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। फिर मिलते हैं जल्दी आप लोगों से, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ऐसा ज़बरदस्त से एक तंदूर वाला नान तैयार हो चुका है, बस हम लोग अब बिस्मिल्लाह करते हैं खाने की। कोरमा भी आप लोगों ने देख ही लिया है।